इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है एंड डिक्रीजिंग कब कहते हैं हम उसको। देखो बच्चों, जैसे ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, एक बात बताइए आप मुझे, ये ओरिजिन है। जैसे जैसे आप ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जाएंगे, दिस इज एक्स एक्सिस, तो एक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे आप x के राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, x क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इंक्रीज इंक्रीज करेगा। एंड ओरिजिन से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो y क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज, ठीक है। जैसे मैंने इस फंक्शन ये ग्राफ बना दिया किसी फंक्शन का, ये मेरा कोई पॉइंट x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4, this is y1, this is y2 and this। एक बात बताओ मुझे, x1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, y is equal to fx का ग्राफ है। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ये है, यानी कि y1 के बराबर है। x1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू y1 के बराबर है। x2 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू y2 y2 के, x3 पे फंक्शन की वैल्यू y3 के इक्वल है, x4 पे फंक्शन की वैल्यू y4 के इक्वल है, ठीक है। अब एक बात बताओ, y1 y2 से छोटा है, y2 बड़ा है, इतना वैल्यू y1 है, ये y2 है, तो y2 बड़ा है, फिर y3 बड़ा है, फिर y4 बड़ा है एंड सो ऑन। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे तो x1 से x2 बड़ा है, इसी टाइप से x3 ग्रेटर है, इसी टाइप से x4 ग्रेटर है। तो यहां पर x और y में क्या रिलेशनशिप है इस फंक्शन के लिए, क्या रिलेशनशिप है बताइए। देखो बच्चों, x1 छोटा था, y1 भी छोटा है, x2 बड़ा हो गया, y2 भी बड़ा हो गया, x3 बड़ा है, y3 भी बड़ा हो गया, y2 से, x3 से x4 बड़ा है, तो y3 से y4 बड़ा है। जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है, y भी इंक्रीज कर रहा है। x के इंक्रीज करने के साथ साथ y भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। समझ आया ये आपको, नहीं आया किसी को, नहीं आया, नहीं समझ आया, सर आ गया समझ। ओके, दिस इज एक्स वन, दिस इज एक्स टू, this is x3, this is x4, and this is x5. This one is y1, this one is y2, this one is y3, this one is y4, this one is y5. एक बात बताओ, x1 is smaller than x2, which is smaller than x3, which is smaller than x4, which is smaller than x5, dash, dash, dash. y1 is smaller than y2, y2 is smaller than y3, y3 is smaller than, y3 is equal to y4, ठीक है, further it is equal to y5 and so on. सर y3 होगा, y4 क्यों होगा, ऊपर नहीं जाना बेटे, y4 क्यों होगा, y4 तो इसके ऊपर है, बट उसके सेम लाइन पे, तो y3 होना चाहिए ना सिर्फ,
वाई थ्री कर देता हूँ। चलो ये लो, दोनों फंक्शंस में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? कांस्टेंट इंक्रीज है, एक में कांस्टेंट इंक्रीज नहीं है, रुक जाता है। पहले फंक्शन में एक्स के इंक्रीज करने के साथ साथ वाई वाई भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा था, लेकिन यहां पर पहले तो एक्स के इंक्रीज करने के साथ साथ वाई इंक्रीज कर रहा था और फिर कांस्टेंट हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे फंक्शन को कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई भी बढ़े, और इसमें एक्स के बढ़ने के साथ वाई बढ़ भी रहा है और कांस्टेंट भी रह रहा है, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ये समझ आया आपको? ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, जिसमें एक्स के इंक्रीज करने के साथ साथ वाई इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, या फिर वाई एक्स के इंक्रीज करने के साथ वाई क्या रह रहा है, कांस्टेंट। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और जैसे ऊपर था, एक्स के इंक्रीज करने के साथ वाई सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, इसे कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बोलना नहीं आता बच्चों, स्ट्रिक्टली, ठीक है, ये टी और आर के बीच में हमेशा मुझे समस्या रही है ना, टी और आर के बीच में हमेशा बोलने में दिक्कत होती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आप थोड़ा अच्छे से बोलना है, दिस वन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो दोनों में, इंक्रीजिंग में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या डिफरेंस है, समझ आया आपको? बताओ बच्चों। सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में x और y दोनों का वैल्यूज बढ़ता है, इंक्रीजिंग में कोई एक वैल्यू बस बढ़ता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में x के इंक्रीज करने के साथ साथ y भी इंक्रीज होता है, ठीक है, और इंक्रीजिंग फंक्शन में x के इंक्रीज करने के साथ साथ y इंक्रीज करता है या फिर कांस्टेंट रहता है। अब जैसे इस फंक्शन को देखो, this point is x1, this is x2, this is x3, this is x4, this is y1, this is y2, this is y3, and this is y4. x1 is smaller than x2, smaller than x3, smaller than x4. y1, y1 is greater than y2, देखो y1 बड़ा है, y2 छोटा है, y2 is greater than y3, y3 is greater than y4, समझा बच्चों आपने? क्या हो रहा है यहाँ पर बताओगे? x का वैल्यू बढ़ रहा है बट y का कम हो रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन y का x के बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, ऐसे फंक्शन को कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। मोर एवर इस फंक्शन को देखो, इसको देखो, सपोज इट इज एक्स वन, दिस इज एक्स टू, दिस इज एक्स थ्री, दिस इज एक्स फोर, दिस इज एक्स फाइव, गॉट इट? This is y1, this is y2, this is y3, ठीक है। अब एक बात बताओ, x1 is smaller than x2, x2 is smaller than x3, x3 is smaller than x4, ठीक है, y1 is greater than y2, y2 is greater than y3, which is equal to y3, equal to y3, इसका क्या मतलब है? ऊपर जो ये फंक्शन था, यहाँ पर
वाई के बढ़ने के साथ एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई भी बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्स के इंक्रीज करने के साथ, कुछ गलत बोल दिया ना, यहाँ पर एक्स के इंक्रीज करने के साथ वाई डिक्रीज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्स के इंक्रीज करने के साथ साथ वाई डिक्रीज कर रहा है या फिर कांस्टेंट रहता है? तो बच्चों जो ऊपर वाला फंक्शन था, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। कार्तिक है? हाँ सर। सो गए? नहीं सर, सेंस नहीं बन रहा सर। अगर जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है जिसमें कोई इक्वल नहीं है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और जो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा, सेकंड ऊपर दिखाना मुझे, कंफ्यूज हो गया। फिर ऊपर इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा आप सेंस बना रहे हो, हाँ। कार्तिक ऐसे सेंस बनाता है, एक बार पेज को ऊपर करवा के नीचे करवा के कार्तिक अपना सेंस क्रिएट कर देता है ना? नहीं मैं कॉमन ढूंढा था कि आधा इंक्रीज को इक्वेट कर रहा तो डिक्रीज हो रहा है और नीचे की तरफ, जो सिर्फ इंक्रीज करता रहता है दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो सिर्फ डिक्रीज करता रहता है दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो इंक्रीज करे या कांस्टेंट रहे उसको हम इंक्रीजिंग कह सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते। मतलब बिल्कुल इंक्रीजिंग नहीं है वो, इंक्रीजिंग तो है पर पूरी तरह इंक्रीजिंग नहीं है, कंप्लीटली इंक्रीजिंग है। इसी तरह डिक्रीजिंग में एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब वो डिक्रीज ही करेगा, दूसरा है डिक्रीज भी कर सकता है कॉन्स्टेंट भी रह सकता है, दैट इज डिक्रीजिंग ओनली नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ आया अनिरुद्ध? आपको समझ आया सर? जहान? हाँ सर आगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। अब बात आती है बच्चों इसको डेरिवेटिव से रिलेट करते हैं, ये किसका ग्राफ है, ये किस फंक्शन का ग्राफ है? किस फंक्शन का ग्राफ है ये? ऊपर वाला, दिस इज एक्स दिस इज वाई, किसका ग्राफ है नीरज? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। यस सर। ये किसका ग्राफ है? इट्स अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? सर ये डिक्रीजिंग है। सर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे हुआ? रिपीट सर, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये क्या होगा? ये बस डिक्रीजिंग होगा, ये डिक्रीजिंग होगा, ये नहीं, उसके ऊपर वाला जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखा आपने वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही होना चाहिए। तो ये क्या होगा फिर? ये वाला डिक्रीजिंग है, उसके ऊपर वाला शुड बी वो भी डिक्रीजिंग ही होना चाहिए। डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है निरुद्ध? सर जो आपने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा। व्हाई? एक्सप्लेन। सर क्योंकि एक्स का वैल्यू तो बढ़ रहा है बट वाई का कम हो रहा है, तो वही तो डिक्रीजिंग होता है कि एक्स के बढ़ने के साथ जो घटे, ठीक है, मेहनत बढ़ाने के साथ परसेंटेज भी बढ़े तो आपका ग्राफ इंक्रीजिंग है,
मेहनत बढ़ाई लेकिन ग्राफ उल्टा हो गया, रिजल्ट का ग्राफ डाउन आ गया, तो फिर आप कहाँ जा रहे हो? हम मेहनत तो बढ़ा रहे हैं, ग्राफ तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो जाता है। नहीं सर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऐसा होना चाहिए ना, एक सेकंड, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा ऐसा ग्राफ होना चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। हाँ दिख रहा है, ऐसा होना चाहिए क्योंकि एक्स का वैल्यू भी कम होगा, वाई का भी कम होता है, और एक्स उसमें का तो वाई वैल्यू भी का कम होगा और वाई का वैल्यू भी कम होगा, तो उसको इंक्रीजिंग ग्राफ कहेंगे, डिक्रीजिंग नहीं बेटे। क्या एक्स का वैल्यू भी कम होगा और वाई का वैल्यू भी कम होगा तो उसको डिक्रीजिंग अच्छा, ग्राफ कहेंगे, इंक्रीजिंग ग्राफ कहेंगे, डिक्रीजिंग नहीं। अच्छा समझ गया, समझ गया, समझ एक्स का वैल्यू बढ़े वाई भी बढ़े इंक्रीजिंग, एक्स घटे समझ वाई भी घटे इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली यस सर, डिक्रीजिंग है, ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कि एक्स तो बढ़ रहा है लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों वाई घट रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ। इस वाले में एक्स बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, वाई घट रहा है या कांस्टेंट रह रहा है, तो ये डिक्रीजिंग है। चार ग्राफ मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चलो फिर मैं आगे, चलो मैं आगे बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ में स्लोप हमेशा जीरो से बड़ा होता है। इंक्रीजिंग ग्राफ में स्लोप जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ में स्लोप नेगेटिव होता है, और इस वाले में स्लोप नेगेटिव या फिर जीरो होता है। जरूरी नहीं था ये, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। इंक्रीजिंग ग्राफ का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, जी ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। इंक्रीजिंग ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डिक्रीजिंग, अच्छा इंक्रीजिंग ग्राफ में स्लोप या तो, क्योंकि जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका स्लोप जीरो हो जाता है। तो अगर आप ए बी और सी एंड डी, अगर इस ग्राफ का बी से सी के बीच में स्लोप देखेंगे तो वो जीरो मिलेगा आपको, ठीक है? अगर इस ग्राफ को आप बी से सी के बीच में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। लेकिन ए से बी तक वो जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, सी से डी तक भी पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल जो इस फंक्शन का ग्राफ है वो या तो जीरो से बड़ा है या जीरो के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि स्लोप इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। गॉट इट? समझ आया? स्लोप इज लेस देन जीरो, इस केस में स्लोप नेगेटिव रहेगा। इस केस में वही हो गया कि जो ए से बी का पोर्शन है वहां स्लोप नेगेटिव है, बी से सी का पोर्शन है वहां स्लोप जीरो के इक्वल होगा, और सी से डी का जो पोर्शन है वहां स्लोप फिर से नेगेटिव होगा। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि स्लोप नेगेटिव रहेगा या जीरो होगा। जो मेन हमारे काम की बात है ये तो थी जनरल नॉलेज की बात, जो हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे, एफ डैश एक्स होता है बच्चों, मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डीवाई बाई डी एक्स, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल मीनिंग क्या होता है? फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है डीवाई बाई डी एक्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डीवाई बाई डी एक्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डीवाई बाई डी एक्स का स्लोप। डीवाई बाई डी एक्स एक्चुअल में क्या होता है? ज्योमेट्रिकली ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को, एफ डैश एक्स, ज्योमेट्रिकली एफ डैश एक्स स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट? अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे और वहां पर अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो हो सकता है वहां पर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एफ डैश एक्स एंड प्रूव इट, प्रूव करके दिखाना पड़ेगा आपको।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एफ डैश एक्स होता है स्लोप। ज्योमेट्रिकली एफ डैश एक्स स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी कर्व के स्लोप को, और ये आपको वहां पर प्रूव भी करके दिखाना पड़ेगा। अभी आपको जस्ट लर्न करना है कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एफ डैश एक्स। ज्योमेट्रिकली एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ ए कर्व, किसी कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट बच्चों? इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ स्लोप जीरो से बड़ा होता है, यानी कि एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा होगा। एफ डैश एक्स ही स्लोप होता है, तो क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप जीरो से बड़ा होता है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, इस पोर्शन में देखें तो यहाँ इस ए से बी के पोर्शन के लिए एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा होगा, बी से सी के पोर्शन के लिए एफ डैश एक्स जीरो के इक्वल होगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ केस में स्लोप एफ डैश एक्स जीरो या जीरो से बड़ा होगा, जैसे कि स्लोप क्या है, जीरो या जीरो से बड़ा। इसी टाइप से एफ डैश एक्स भी क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा। डिक्रीजिंग के केस में स्लोप लेस देन जीरो, यानी कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। आप ये समझ लो कि एफ डैश एक्स ही स्लोप होता है, और इस केस में एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। गॉट इट? नहीं समझे? कौन नहीं समझा? कार्तिक समझ गया सर। अनिरुद्ध, नमन, जहान, ओके। अच्छा बच्चों, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ। मतलब अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव जीरो से बड़ा होगा, और अगर उसका डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग जानते हो क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ का मतलब यह होता है कि जैसे दोनों साइड के रिजल्ट ट्रू होते हैं, आपने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा मार्क्स आए, ज्यादा मार्क्स आए मतलब आपने ज्यादा मेहनत की, ठीक है, दोनों साइड से ये रिजल्ट ट्रू होता है, राइट। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि अगर फर्स्ट कंडीशन है तो सेकंड भी होगा, सेकंड कंडीशन है तो फर्स्ट भी होल्ड करेगा, ये इफ एंड ओनली इफ में होता है। बच्चों फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ f dash x is greater than or equal to zero। मतलब इस केस में f dash x zero भी हो सकता है। मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ वैसे, आज मुझे डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया था, मेरा आज RTC था, RCT था, RCT मतलब जानते हो आप सभी, आप आटे जा रहे हैं रूट कैनाल, रूट कैनाल। तो डॉक्टर एडवाइज मी नॉट टू स्पीक टुडे एंड आई थिंक यू आर लुकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग टुडे, है ना, थोड़ा मैं वॉल्यूम डाउन करता हूँ कहीं रात को दर्द हो जाए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या कहेंगे? इफ एंड ओनली इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है, इस केस में फंक्शन क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा, एंड इस केस में एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, जैसे पहला क्वेश्चन है, तो जब कभी भी आपको ये दिखाना हो कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम क्या शो कर देंगे कि इसका डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है, जैसे एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, एफ एक्स क्या है, 3x plus 17 है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, 3 के इक्वल होगा। एफ डैश एक्स अगर 3 के इक्वल है, ठीक है, तो मतलब ये तो जीरो से बड़ा हो गया, और जब एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा होता है तो फंक्शन कैसा होता है,
ठीक है, चलो आगे। इसमें किसी बच्चे को डाउट है? एफ एक्स इज इक्वल टू टू टी टू द पावर एक्स। अनिरुद्ध, ये फंक्शन कैसा होगा? सर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स क्या होगा इसका? टू ई टू द पावर टू एक्स। टू ई टू द पावर टू एक्स। बच्चों ये एक पॉजिटिव नंबर होता है, और पॉजिटिव नंबर के आप जो मर्जी पावर कर दो वो क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो ई, क्योंकि ई की वैल्यू होती है 2.718, आगे भी होती है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर के आप जो मर्जी पावर कर दो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। और अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन कैसा हो गया? इम्प्लाइज एफ एक्स, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, समझे? लिख लिया, चलूं आगे। देखो थर्ड क्वेश्चन, एफ एक्स दिया हुआ है हमें साइन एक्स। एफ एक्स क्या है? साइन एक्स। बच्चों अब थर्सडे को मैं टेस्ट लेना स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाने के बजाय, ठीक है? तो कौन से चैप्टर का? थर्सडे को इस पर इन्वर्सिटी का दे दो। ठीक है, ठीक है, जिसके जितना आ रहा है उतना पूरा तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स, एफ डैश एक्स इज कॉस एक्स। अच्छा बच्चों, इंटरवल दिया है क्वेश्चन में जीरो से पाई बाई टू। जीरो से पाई बाई टू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है? जीरो से पाई बाई टू क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा साइन कॉस टेंजेंट सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस क्या होगा? एक्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस क्या हुआ? जीरो से बड़ा पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, जीरो से पाई बाई टू का मतलब समझते हो ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, पता है सभी को। तो कॉस एक्स क्या हो गया? एफ डैश एक्स ही हमारा कॉस एक्स है, जीरो से बड़ा हो गया, तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ आया? मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ आया अनिरुद्ध? हाँ जी सर। इसी तरह से सेकंड पार्ट में इसके में दिया है कि जीरो से पाई बाय टू से पाई, पाई बाय टू से पाई सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है। कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है? पाई बाय टू टू पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स क्या होता है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स नेगेटिव होता है, लेस देन जीरो। कॉस एक्स हमारा एफ डैश एक्स है, इस क्वेश्चन में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो गया, ठीक है? इंटरवल दिया था हमें पाई बाई टू से पाई का, तो इस ये इंटरवल तो सेकंड क्वाड्रेंट बना रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो एफ डैश एक्स जीरो से लेस हो गया, इंप्लाइज एफ एक्स इज, और जब एफ डैश एक्स जीरो से लेस होता है तो एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
अनिरुद्ध इस वर्ड को बोल के बताओ क्या है. Strictly decrease है. Strictly decreasing. ठीक है. Strictly decreasing. बच्चों किसी भी इंटरवल पे कोई भी इंटरवल है आपको दे दिया जाए उस पूरे इंटरवल पे अगर कोई फंक्शन पूरी तरह इंक्रीजिंग है तो उसे इंक्रीजिंग कहेंगे. पूरे इंटरवल पे अगर वो डिक्रीजिंग है तो उसे डिक्रीजिंग कहेंगे. अगर इंटरवल के आधे पार्ट पे इंक्रीजिंग है और आधे पार्ट पे डिक्रीजिंग है ठीक है तो होल इंटरवल पे क्या कहा जाएगा उसको नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. इंटरवल के कुछ पार्ट पे वो इंक्रीजिंग है कुछ पार्ट पे डिक्रीजिंग है तो उसे कहा जाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. अभी जैसे इसमें हमने एक बार देखा जीरो से पाई बाई टू हमारा फंक्शन कैसा था इंक्रीजिंग था और पाई बाई टू से पाई क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया. ठीक है तो होल पार्ट पे फंक्शन को कहा जाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. तो इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो क्या होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग क्योंकि थर्ड पार्ट में दिया जीरो से पाई. समझ गए समझे बच्चों या नहीं समझे. यस सर. ठीक है तो एक तो बच्चे याद करना है आज थोड़ा सा हम कमी करेंगे ठीक है क्योंकि कल 12th का बोर्ड है उनको भी थोड़ा करवाना है. ठीक है मैं चाहता हूँ बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक ले लूँ क्योंकि 8 बजे से उनकी क्लास है तो बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ. खास देखो आप ट्रिग्नोमेट्री की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जिसके स्कूल में जितना करवाया है वो पूरा तैयार करना है मैं टेस्ट लूँगा. ठीक है ठीक है सर. हमारा बस पहला एक्सरसाइज होगा. हाँ पहला एक्सरसाइज बच्चों जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लेंगे. अच्छा सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज होगा. हाँ सर वो बस पहले और टेस्ट के लिए था सेकंड वाला अब गया. चलो जिस जितना भी अभी आगे स्कूल में आएगा वो उसी का उसका कोडिंग टेस्ट देंगे. ऑल राइट बच्चों थैंक यू. ओके बेटा बाय बाय.